जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रोसोन पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं कराची वाटर एंड सर्विस बोर्ड के एमडी दफ्तर के बाहर, जहां पर जो है वो आपका वर्कर्स यूनियन के जो जिम्मेदारान हैं, चेयरमैन और दीगर अपने स्टाफ के साथ यहां लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। और मुझे मालूम हुआ है कि ये इन्होंने जो है कोर्ट में डीवीसी वन के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी गई है, लेकिन इनसे मालूम करेंगे ये जो ये यकीनन मुलाजमीन के जो अहलकारों की खिदमत के हवाले से काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये तो हमें लगता है कि रुकावट बन रहे हैं। यकीनन डीवीसी वन डीवीसी टू जो मुलाजमीन के हवाले से जो काम हुआ करते हैं उसके हवाले से आइए इनसे बात भी करते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी क्यों बन रही है। आइए, हम किसी अफसर के खिलाफ नहीं हैं, हम कानून के साथ हैं, हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट ऑफ सिंध इसकी इज्जत और वकार के लिए खड़े हुए हैं कि उनको उनके जो अपने ऑर्डर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, हम चाहते हैं कि उन पर अमल हो। इसी सिलसिले के अंदर हमने DPC 1 को चैलेंज किया है हाई कोर्ट के अंदर और कल हमारी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है और आज वहाँ नोटिस हो गए। हम कानून की बालादस्ती के लिए किसी अफसर के ख़िलाफ़ नहीं है, हम उन तमाम अफसरों की कानूनी सपोर्ट भी करेंगे जिनके साथ कुछ ज़्यादती हुई है। हम उन तमाम अफसरों के प्रमोशन के लिए दुआ गो भी हैं और ये चाहते हैं कि उनको उनका जायज़ हक मिले, लेकिन वो अफसरान जो नाजायज़ तरीके से दूसरों का हक खा के हुकूकुल इबाद को नुकसान पहुंचाते हुए, मतलब है बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रख के और हुकूकुल इबाद के दावे करते हुए लेकिन मासूम अफसरान के लोगों को, मासूम अफसरान को हुकूक खाने के चक्कर के अंदर अपने प्रमोशन के लिए प्रमोशन हासिल करने में चापलूसी से लगे हुए और वो कानून की वायलेशन कर रहे हैं। देखिए सर, ये आस्ता आस्ता आपके सामने वो अफसरान अभी आ जाएंगे, कोर्ट से अभी लेटर निकलेंगे उनके खिलाफ़।